जीओसी वन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन आई एंड एम इफेक्ट। सबसे बड़ा यार कंफ्यूजन ये होता है कि हमने आई इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है और एम इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास ग्रुप्स जो आई में प्रेजेंट थे वो एम में भी प्रेजेंट हैं, तो अब बात ये आती है कि बाबा जी हम कौन सा इफेक्ट लगाएं, आई इफेक्ट लगाएं या एम इफेक्ट लगाएं, ठीक है। इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल जो एम इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, देन एच इफेक्ट, देन आई इफेक्ट। मतलब अगर कोई ग्रुप एम इफेक्ट में प्रेजेंट है और प्लस आई में ही प्रेजेंट है, सपोज कि हमारे पास कोई ग्रुप है OH है, ठीक है, वो प्लस आई में भी प्रेजेंट है और प्लस एम में भी प्रेजेंट है, अब मैं कौन सा इफेक्ट लगाऊंगा, प्लस एम देखूंगा उसका, क्योंकि प्लस एम क्या होता है, एम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे वो प्लस एम हो या माइनस एम हो, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्रुप माइनस आई में भी प्रेजेंट है और माइनस एम में भी प्रेजेंट है, तो मैं उसका कौन सा इफेक्ट देखूंगा, माइनस एम इफेक्ट देखूंगा, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, वो तेजी से खींचेगा भाई, वो तेजी से खींचेगा और तेजी से डोनेट भी करेगा। मतलब एम जो है भाई वो तेजी से खींचता भी है, विड्रॉ भी करता है और तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। तो हमें क्या देखना है भाई, जब भी हमें ऐसा दिया जाए भाई कि कोई ग्रुप प्लस आई में प्रेजेंट है, प्लस एम में भी प्रेजेंट है, तो हमें उसका क्या देखना है, एम इफेक्ट देखना है, क्योंकि एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, देन उसके बाद एच इफेक्ट इफेक्टिव होता है, देन आई इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर एक और बात आती है, जैसे कि यहां पर समझो कि दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि बेंजीन से कनेक्टेड एक एक्स वाई ग्रुप है, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो से अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इसका क्या इफेक्ट लग रहा होगा, इस ग्रुप का क्या इफेक्ट लग रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है तो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखो कि यहां पर जो एक्स है उसके जो लोन पेयर हैं वो अगर ये डोनेट कर देता है, वो अगर क्या करता है, डोनेट कर देता है रिंग को, तो इसका कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, प्लस एम, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट देखेगा, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। सारे बच्चों का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हैलोजन्स, हैलोजन्स बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत करवाता है, ये ध्यान रखें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हैलोजन पर। हैलोजन का अगर देखें तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा या लगभग बराबर होता है एम इफेक्ट के, समझ रहे हो, कि हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा या लगभग बराबर होता है प्लस एम इफेक्ट की। अब बात आती है कि हम कौन सा इफेक्ट लेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, जब भी हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, कि एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करना है, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम उसका हमेशा कौन सा इफेक्ट लेने वाले हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हम रिएक्टिविटी ऑर्डर के टाइम पर यूज करेंगे, और जो प्लस एम इफेक्ट है उसे हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे यूज करेंगे। अगर आपने ESR थोड़ी बहुत पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें हैलोजन का हम प्लस एम ग्रुप लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर आकर सब्स्टिट्यूट होता है। अगर नहीं जानते तो लेंगे भाई जब हम ESR पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कब यूज करना है, जब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड करना है, और जो एम इफेक्ट है वो कब लेना है भाई, तब हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, जब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, तब हमें क्या करना है, इसका प्लस एम इफेक्ट लेना है, ठीक है। माइनस आई ऑर्डर हैलोजन का क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन आयोडीन का। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं, ठीक है, ओवरलैपिंग से इसका ऑर्डर कुछ कम होने वाला है, ठीक है, ऑर्डर अलग आने वाला है या किस तरह का आता है देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से ही हमारा विड्रॉइंग पावर डिसाइड हो रही है यहां पर। माइनस आई ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की अगर बात करें हैलोजन की, किसके साथ, कार्बन, ठीक है, कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ हम इसके ओवरलैपिंग की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जो आता है भाई वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, माइनस आई और ओवरलैपिंग का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो ऑर्डर कुछ अलग निकल के आता है। ऑर्डर क्या आता है? ऑर्डर आता है फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। ठीक है, ये ड्रॉइंग पावर आई है रेजोनेंस के साथ। ठीक है, अब कंफ्यूजन बहुत सारा होता है तो मैं एक पॉइंट दे रहा हूं जिससे तुम्हारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, क्वेश्चन कभी गलत ना हो उसके लिए भाई बूटी ले लो जल्दी से आगे। ठीक है, बूटी क्या है ये देखो कि जब भी रेजोनेंस लगेगा, जब भी रेजोनेंस लगेगा तब बेड्रोइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। ठीक है, इसको समझ नहीं आया छोड़ो भाई, ठीक है इसको छोड़ो, हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। पॉइंट ये है कि जब भी रेजोनेंस लगेगा तब विड्रोइंग पावर का जो ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। ठीक है, लेकिन जब रेजोनेंस ना हो, जब रेजोनेंस ना हो तब विड्रोइंग पावर का जो ऑर्डर आएगा वो किस तरह से आएगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये किसकी वजह से आया है? माइनस आई इफेक्ट से, तो यही हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब रेजोनेंस लग जाएगा तो ओवरलैपिंग की वजह से इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, इसका अपन एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, चलिए देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो मेरे पास चार कार्बोन आयन बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर मुझे इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, अब ये पार्ट देखो कि ये वाला पार्ट ऊपर वाला तो सब कॉमन है, जो हैलोजन लगाए गए हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो हैलोजन लगाए गए हैं वो CH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर हैं। मतलब यहां पर तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है ना। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पर नहीं दिखता है लेकिन ऑर्थो पैरा पर तो दिखता है। मतलब यहां पर रेजोनेंस फेनोमेना दिख रहा है। अगर रेजोनेंस फेनोमेना दिख रहा है तो जो बेडरोइंग पावर आने वाली है हैलोजन की वो क्या आने वाली है? सबसे ज्यादा किसकी आने वाली है? आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की और देन फ्लोरीन की। ठीक है, बेडरोइंग पावर सबसे ज्यादा किसकी? आयोडीन की आने वाली है इस केस में। तो अपन जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? माइनस वाले। ठीक है, माइनस वाले इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि माइनस वाले क्या करेंगे? इसके चार्ज को खींचेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे उतना चार्ज कम हो जाएगा और जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो क्या होता? आप आंसर लगाते सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आईफेक्ट से तो यही आंसर आ रहा है, आईफेक्ट से यही आंसर आ रहा तो गलत हो जाता भाई, इसका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है रेजोनेंस के केस में। अब यहां पर देखो कि अब दूसरा मैंने केस बनाए हुए हैं, यहां पर भी कार्बोन आयन बनाए हुए हैं लेकिन अब जो हैलोजन अटैच करें वो किस पोजीशन पर करें? मेटा पोजीशन पर। आप जानते हो जो रेजोनेंस फेनोमेना होता है मेटा पोजीशन पर वो कितना होता है? मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस फेनोमेना जीरो होता है। ठीक है, रेजोनेंस लगता ही नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं लगता है तो अब जो विड्रोइंग पावर आने वाली है हैलोजन की वो क्या आने वाली है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऑर्डर क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन स्टेबल, देन दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जब रेजोनेंस फेनोमेना लगेगा तो जो विड्रोइंग पावर आने वाली है वो क्या आने वाली है? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। लेकिन जब रेजोनेंस फेनोमेना नहीं लगेगा तब विड्रोइंग पावर क्या होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, लेकिन क्वेश्चन गलत कराने के लिए काफी है भाई। ठीक है, क्वेश्चन गलत कराने के लिए कॉन्सेप्ट काफी है। ठीक है, और चार मार्क्स कम होंगे तो कितनी रैंक कम होगी ये सोच सकते हो यार। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है यार।
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को समझ आता है। आपको समझाया गया है भाई बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको समझ आना चाहिए। और अब ये जब ये क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, राइट। जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।